दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों प्यार का नाम सुनते ही या शादी का नाम सुनते ही दिलो दिमाग में कई तरह के सपने और समस्याएं उभरनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि शादी और प्यार को लेकर हर किसी के अपने अपने अनुभव और विचार होते हैं और लोग अपनी पसंद के अनुसार ही अपने प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी का चुनाव करते हैं, किंतु कई कारणों के चलते उनका प्यार या वैवाहिक रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाता, क्योंकि जब दोनों की राशियां ही एक दूसरे की शत्रु राशियां होती हैं, तो ऐसे रिश्ते ना तो ज्यादा दिनों तक टिके रह पाते हैं और ना ही दोनों अपनी लाइफ में कभी खुश रह पाते हैं, क्योंकि जब दोनों का मेल ही गलत होता है तो उनके रिश्ते में अनेकों समस्याएं आनी स्वाभाविक होती हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपको अपनी पसंद का पार्टनर मिल सके जो हर तरह से आपके साथ हंसी खुशी और वफादारी से पूरा जीवन व्यतीत करे, तो आपको इस वीडियो में बताई गई राशियों के आधार पर ही शादी करनी चाहिए। चलो बताते हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, दोस्तों मिथुन राशि के लोग सकारात्मक सोच के काफी बातूनी, कुछ दोहरे स्वभाव वाले, विचारवान और काफी चपल होते हैं। वहीं अगर इन्हें अपने लिए एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड या पत्नी चाहिए तो मिथुन राशि के लड़कों को मेष, वृषभ या तुला राशि की किसी भी पसंद आई लड़की से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इन राशियों की लड़कियों के साथ इनका परफेक्ट जोड़ा बनता है जो कि इनकी जिंदगी में खुशहाली, शांत, समृद्धि और बहार लेकर आती हैं। सेकंड नंबर, दोस्तों यदि मिथुन राशि के लड़के किसी मिथुन, धनु और मीन राशि की लड़की से शादी कर लेते हैं तो इन दोनों का वैवाहिक जीवन सामान्य रहता है, यानी कि दोनों ही आपस में कंप्रोमाइज करके अपनी लाइफ को एक साथ व्यतीत करने में सफल रहते हैं, किंतु आपस में नोक झोंक काफी होता है। थर्ड नंबर, दोस्तों मिथुन राशि के लड़कों को भूलकर भी कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि की लड़की से विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये राशियां मिथुन राशि की शत्रु राशियां होती हैं, जिसके चलते इन दोनों का पूरा जीवन ही लड़ाई, झगड़े और कलह में बीत जाता है। इतना ही नहीं, इनमें काफी जोड़ों का रिश्ता अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाता है। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।